दोस्तों नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि आपने जितना भी पैसा कमाया है उसमें से जो आप पैसा खर्च करते हैं किन चीज़ों के लिए और किन सही चीज़ों के लिए और किन उन चीज़ों के लिए जिनकी आपकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप खर्च कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप अपने दोस्तों के पास देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास देखते हैं और फिर वो चीज़ें आपके घर में कुछ ऐसी पड़ी रहती है जिसका कोई भी यूज़ नहीं है और वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों बहुत समय पहले एक कोलकाता में एक परिवार है और परिवार था और उसमें एक लड़का था जिसका नाम सुब्रतो था। वो भी ऐसे ही करता था, उसको जो भी पैसे उसके फादर से मिलते थे वो अनचन चीज़ें खरीद के लिए आता था और फालतू चीज़ों में उड़ाकर पैसे को बर्बाद कर देता था। उसके पिताजी को लगा कि उसको सीख देनी चाहिए या डांटना चाहिए। उसके पिताजी ने सोचा कि चलिए उसको एक दिन बुला लेते हैं और उससे बात करते हैं। उसने बुलाया, उन्होंने बोला कि अब पैसों की तुम्हें कदर होनी चाहिए, तुम जुल खर्ची जो करते रहते हो एक अलग बात है। तो वो इस बात पर चिढ़ गया, नाराज हो गया। उन्होंने बोला कि कौन सा मुझे 1000 रुपये देते हो, तो आप इतना मुझे लेक्चर दे रहे हो, ये कुछ चंद रुपये तो देते हो, अगर आप चाहो तो आप मैं आपको वापस भी कर सकता हूँ। तो ये बात सुन के उसके पिताजी को लगा कि देखो उसको डांटने से तो कोई फर्क होगा नहीं, तो क्यों ना इसको सीख दी जाए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक काम करो, अब तुम मुझे हर दिन 1 रुपया दिया करो। तो वो भी मान गया, उसने सोचा कि चलो ठीक है मैं तो ये तो कर ही लूंगा, मैं उनको हर दिन 1 रुपया तो मैं दे ही दूंगा। वो क्या करता था कि जब अगले दिन की शाम हुई और उसके पिताजी ने उसको बोला कि लाओ मेरा 1 रुपया लाओ, तो सुब्रतो ने सोचा कि मैं कहाँ से लाऊं, तो वो अपनी माँ के पास गया और उसने 1 रुपया लिया और उनको दे दिया। जैसे उसके पिताजी के हाथ में 1 रुपया आया, वो 1 रुपया लेकर उन्होंने भट्टी पे जाके फेंक दिया। और ये बात उन्होंने पूछी भी कि मैंने आपको पैसा दिया आपने ऐसे क्यों किया, बोला कि अब मैं जो भी करूँ पैसे का तो मैं क्या, तो मैं तो मुझे सिर्फ 1 रुपया दे दे जाना है। अब ऐसे अगले दिन आया तो उसने 1 रुपया अपनी नानी से लेकर दे दिया, ऐसे अगले दिन आया तो वो ऐसे अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों से रुपया लेता गया। और जब सब ने पैसे देने से एक दिन मना कर दिया कि वो एक्चुअली सबसे पैसे ले चुका था और सब ने उसको पैसे देने से मना कर दिया, तो वो घबरा गया और सोचा कि यार मैं क्या करूँ, मैं उनको 1 रुपया कैसे दूँ। तो वो घर के बाहर जब घूम रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा रिक्शा वाला एक अपने ग्राहक को रिक्शे के साथ खींचा जा रहा था हाथों से। तो उसने सोचा, उसके पास गया कि भैया अगर आपकी जगह मैं इसको खींच लूँ तो क्या आप मुझे 1 रुपये देंगे। तो वो रिक्शा वाला, क्योंकि वो भी ठग चुका था और वो उससे तो ज़्यादा ही कमा रहा था, उन्होंने सोचा कि 1 रुपये देने से क्या होगा, वो मान गया। तो जब सुब्रतो ने वो काम पूरा किया, वो थक चुका था और पूरा पसीने से लथपथ, जब वो घर गया अपने पापा को उन्होंने 1 रुपये दिया, तो जैसे ही वो उसको भट्टी में फेंकने के लिए हाथ उठाया वैसे ही उन्होंने रोका कि नहीं नहीं इसको मत फेंकिए, मेरी मेहनत की कमाई है, ये मैंने बड़ी पसीना निकाल के किए, इसको फेंकेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज़ इसको फेंकिए मत। तो यही चीज़ समझाने के लिए उसके पापा ने उसको बोला कि देखा जब मैं तुम्हें पैसे देता था और तुम उसको अनसन चीज़ों में खर्च करते थे तो तुम मुझसे कहते थे कि आप मुझे देते क्या हो, भले ही मैं तुमको 1000 रुपये नहीं देता था, भले ही मैं तुमको 1 रुपये देता था, भले ही मैं तुमको 10 रुपये देता था या 50 रुपये देता था या 100 रुपये या 500 या 1000, वो भी मेरी मेहनत की कमाई थी, वो भी तुम जब इस तरह से उड़ा देते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। यही सीख तुम्हें देने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। तो ये बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने पिताजी के चरण छू लिए, उसने बोला कि मैं अब से कभी भी पैसों का दुरुपयोग नहीं करूँगा, पैसों को जोड़ना सीखूँगा और जो भी चीज़ मुझे लगती है कि वो मुझे लेनी चाहिए वही चीज़ लूँगा, अनसन चीज़ों में पैसे नहीं वेस्ट करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिलती है, जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त जो मेरे स्टूडेंट दुकानों में बैठे रहते हैं अपने मोबाइलों की शॉप में और वो सोचते हैं कि हम ये भी ले लेते हैं हम वो भी ले लेते हैं, दोस्तों पैसा बचाइए। हो सकता है कि पैसा बचा के आप इतना पैसा जोड़ लें कि आप एक बड़ी ओसी मशीन ले सकते हैं, आप माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं, पैसा जोड़ जोड़ के आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप मोबाइल रिपेयरिंग को अच्छे लेवल पे सीख सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ये आप ही के लिए फायदेमंद है और ये सीख भी आपके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक में इसको टैग कीजिए, दोस्तों जितना हो सकता है इस वीडियो को आगे पहुंचाइए और इसी तरह जुड़े रहे चैनल के और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही मैं हर दिन ऐसे ही आपको रात के 10 बजे से पहले आपको एक ना एक वीडियो रोज मिलेगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ रोचक कहानियां आपको मैं सुनाऊंगा।